हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ डिसेंट दिनेश व्लॉग्स। तो कैसे आप सभी गाइस, आई होप के सब अच्छे होंगे। तो भाई सुबह सुबह ये देखो, आज हमारा टकला भी उठ गया है। रात को सोया था ये 1:30 बजे और सुबह भाई 6:30 बजे उठ गया है। क्या बात है यार, गुड। तो भाई आज का मैं सीन बता देता हूँ। सबसे पहले आज आप सभी को नौमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भाई आज है नौमी का दिन। आज हमारे घर में आ रही हैं माताएं, जिनका भाई बहुत बेसब्री से हम वेट कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो मैडम लगी हुई है किचन में प्रसाद बनाने के लिए, तो कोई ना भाई मैं भी थोड़ी सी हेल्प करा दूँ। और हार्दिक भी सुबह से हेल्प करा रहा है मम्मा की। यस, तो भाई गिफ्ट वगैरह तो मैं कल ही ले आया था, तो अभी बस नहा, मैं नहीं नहाया हूँ, अभी नहाएंगे। हार्दिक नहा लिया है, अबू नहीं नहाया है, है भाई चिचिया ये नहीं नहाता, गंदा बच्चा। फिर आ जाएंगी कंजक और उनकी पूरी सेवा करनी है भाई हार्दिक आज, ठीक है, फुल टू सेवा। हाँ, तो बस अभी आप बने रहिए सेवा ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में, बीच में स्किप मत करना। हमारी माता के दर्शन आप भी कर लीजिए। यहाँ हार्दिक भी आ चुका है मम्मा की हेल्प करने के लिए, और हार्दिक कितने अच्छे से चॉप कर रहा है टमाटोज। वेरी गुड हार्दिक, थैंक यू। और फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस, रियली नाइस। किसी ने उठाया भी नहीं, और 6:30 हार्दिक उठ गया, मम्मा की हेल्प करने आ गया। यस, जय माता की, जय माता की। अभी हलवा, चने और हमारी सब्जी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। आटा मैंने गूंद दिया है, ये रहा मेरी कन्याओं की पूरी के लिए आटा। अब पहले थोड़ा सा किचन खाली कर लेते हैं, स्लैब वगैरह, फिर बनाएंगे हम पूरी। अभी कर रहे हैं यहाँ पे माताओं की पूजा, प्रसाद से भूख लगाएंगे, उसके बाद आएंगी कन्या। आज है माताओं का दिन, पर हमारे घर में आज भैरव बाबा ज्यादा दिख रहे हैं, माताएं थोड़ी सी कम दिख रही है। 7 हैं, तो भाई पूरी भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारी माताएं आ चुकी हैं। 8 माताएं हैं, चलो भाई बहुत बढ़िया, बैठ जाओ माता। यहाँ पे माताओं के चरण पादुकाओं को नहलाते हुए हार्दिक जी, बहुत बढ़िया। और ये हमारे हीरो साहब, क्या नाम है बॉस, क्या नाम है आपका, है यूवी। पापा कहाँ हैं, पापा घर ड्यूटी गए हैं। अरे भाई, ये हमारे अमित डागर भाई का लड़का है, ढीलू भाई जिसे कहते हैं हम। तो भाई यहाँ पर बहुत बढ़िया हार्दिक, शाबाश। हमारी माताएं आ चुकी हैं और अच्छे से प्रसाद को ग्रहण करते हुए हमें आशीर्वाद देती हुई। भाई वाह, बच्चों को क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, चलो फिर दूध पिलाते हैं। चलो भाई, और वो भी प्लेन दूध पसंद है या कुछ मिला के पसंद है पीना, क्या मिला के, चॉकलेट तो सबको पसंद है, ये सबकी फेवरेट है। जिसके खाली नहीं हुए खाली कर दो। ये हाथ में किसी को नहीं रखना, मैया रानी ने सारे नीचे रखो, किसी के ऊपर ना गिर जाए। अच्छा लगा, टेस्टी है ना, है ना, ये लो, शाबाश। भाई यहाँ पर ले आई है मैडम गिफ्ट बच्चों के, माताओं के, सॉरी। अच्छा, सबको मिल गए गिफ्ट, आशीर्वाद दे दो भाई, सारे आशीर्वाद दे दो। बोलो शेरा वाली माता की, बोल नगरकोट वाली माता की, बोल कालका माता की, बोलो नौ देवियों की, बोलो भैरव बाबा की। माताएं विदा होती हुई हमारे घर से। तभी
जी मैं तो रेडी हो चुका हूँ भाई दशहरा देखने जाने के लिए, और मेरे साथ हो रहा है वो देखो वो नंगू पुंगू बैठा है हार्दिक। और हार्दिक की मम्मी कहाँ है भाई? आए मेरा गुगु, आए मेरा गंजू पटेल, चले दशहरा देखने के लिए? हाँ आपका तो पहला दशहरा है जो आप देखोगे। हाँ पहले तो आप छोटे थे। बस यही तो बात है ना, पति को काम बताते रहना है बस। तो रावण लगा हुआ है, वो लगा हुआ है भाई वसंत कुंज, वसंत कुंज में कहा वसंत स्क्वायर मॉल के साइड में। तो अभी बस सीधा चलते हैं वहाँ पर और आपको दिखाते हैं। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं दशहरा देखने के लिए और अब वो वैसे ही अपनी फेवरेट सीट पे जाके बैठ चुका है, जय कर रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने भी गेयर पकड़ लिए हैं गाइस। तो भाई अभी चलते हैं और देखते हैं रावण का दहन। तो भाई सारे मिलकर बोलो श्री राम चंद्र की जय। कुंभकर्ण कुंभकर्ण का नाम आते मेरी तरफ क्यों कर दिया फोन? अरे भैया मैंने तो नॉर्मली करा है यार, तुम तो मतलब हद ही है। और यहाँ पे मम्मी और हार्दिक बैठे हुए हैं। हार्दिक एक्साइटेड हो? वेरी वेरी एक्साइटेड। हाँ विभीषण थोड़ी रह रहा है रावण के उसमें। क्या बात कर रही हो, विभीषण रहता है दहन में ना रह रहा है? दहन में रहता है विभीषण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। अच्छा मेघनाथ रहता है, मतलब मेरी नॉलेज गलत हो गई है क्या? मतलब सर क्या रोल करा रहे तूने रामलीला में? भाई मैं रामलीला में जब छोटा था, जब मैं करता था, रावण की सेना में भर्ती हो जाता था, रूसी के ही नहीं पता मेरे। मतलब रावण की सेना में होके तुम्हें रावण के भाई नहीं पता? मेघनाथ कुंभकर्ण और रावण है। रावण विल नॉट बी प्राउड ऑफ यू। मैं तो उसके मुंह पे कह दिया था। पता क्या हुआ था, एक मेरा डायलॉग था कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका को जलाते हैं ना, तो रावण के पास जो खबर लेके जाता है, तो उस सेना में मैं था, रावण की सेना में। तो मेरे को काम दिया गया, तुम जाके बताओ कि वो उस दुष्ट वानर ने सारी लंका को जला दिया है। अब मैं रावण के सामने खड़ा हूँ तो पीछे से डायलॉग आया कि उस दुष्ट वानर ने सारी लंका जला दिया है। तो मेरे मुंह से पता क्या निकला, उस दुष्ट रावण ने। वानर की जगह रावण निकल गया, उस दुष्ट रावण ने सारी अशोक वाटिका जला दी है। और रावण भी ये नीचे मुंह करके हंस रहा। तो भाई वो बड़ा एपिक सीन हो गया, वो एपिक सीन हो गया और यादगार लम्हा हो गया मेरे लिए। तो रावण के सामने बोल रहा हूँ वो दुष्ट रावण, और बोल रहा वानर था। बस पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, और यहाँ सारा देखो यार कलरफुल लाइटिंग, मेला लगा हुआ एक तरीके से पूरा। पार्किंग मेन तो पार्किंग है, पार्किंग नहीं थी। वो दिख गए रावण, बोलो लंकेश पति की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो लक्ष्मण जती की जय, बोलो हनुमान जती की जय। तो गाइस चारों तरफ से मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ भाई, इतनी भीड़। मतलब पैंडेमिक से पहले मैं हर साल आती थी हार्दिक को लेकर, पर इतनी भीड़ में पहली बार देख रही हूँ। माय गॉड, पिछली बार 2 साल से तो कोरोना में था रावण। तो हार्दिक आगे चले थोड़ा सा, चलो हम आ चुके हैं थोड़ा सा और आगे। अब ये देखो रावण उसके दोनों भाई, भाई बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। लुक एट द रश मैन, लोग तो फुल ऑन अपने पेड़ों पे चढ़े हुए हैं जिसको मौका लग रहा है यहाँ से। और भाई मेरे को बहुत ज्यादा, मैं जो पढ़ाऊंगा अपने दोस्तों के साथ पेड़ों पे चढ़ के देखूंगा। पेड़ों पे चढ़ के देखोगे? ये भी सही है भाई। तो भाई मुझे नहीं लगता आगे जाना चाहिए, और क्योंकि आगे तो बहुत ही ज्यादा रश है, तो मैं आगे हार्दिक को लेके नहीं जाऊंगी यही, क्योंकि रावण जलते ही ये लोग पीछे भागेंगे। मुझे ये नहीं पता ये कुंभकर्ण है या मेघनाथ है। श्री राम, श्री राम। रावण के दूसरे भाई में भी आग लग गई।
पीछे छोड़ गए थे, मैं और हार्दिक चले गए थे आगे, तो मम्मी ने पीछे से देखा, अच्छे से दिख रहा था। अभी आ चुके हैं ये तो दशहरा, देख के तो कैसा रहा? बहुत, मैं तो हार्दिक को लेके आगे चली गई थी। अरे वाह वाह वाह, हाँ इसको दिखाया मैंने, तो भाई अभी ये देखो पूरा, अभी यहाँ से निकलते हैं, पूरा यहाँ पे जाम लग चुका है, तो इससे पहले हमारा चालान कटे ये पुलिस वाले हमारा वेट कर रहे हैं, तो फटाफट निकलते हैं भाई यहाँ से अपनी गाड़ी लेके। गाइज ये जो भैया जा रहे हैं ना सामने, रावण की हड्डी लेके जा रहे हैं, इट्स मीन के भाई ये मुकुट है, हड्डी नहीं है, तो ऐसा कहते हैं कि रावण की अगर हड्डी घर में ले जाते हैं, हड्डी इन द सेंस कि जो इस लकड़ी से वो बना होता है, तो वो अगर घर पे ले जाते हैं तो बड़ी शुभ होती है, भूत प्रेतों से उनका अभाव थोड़ा दूर रहता है, तो इसलिए भाई घर पे ना जो रावण की लकड़ी जलती है तो वो हमेशा घर लानी चाहिए। हम पहले बहुत लाते थे बट अभी तो बहुत दूर है, पहले तो ऑलमोस्ट हम एक तरीके से कार्यकर्ता ही होते थे जब रावण फूकता था अपने गांव में मैदान गढ़ी में, तो भैया ले जाए, ये भैया पूरा मुकुटी लेके आ गए भाई, बोलो सियापति रामचंद्र की जय जय। गाइस अभी आ चुके हैं हम कटवारिया सराय हल्दीराम में डिनर करने के लिए, मम्मी छवि तो अंदर जा चुके हैं, मैं कार पार्क करके अब ऊपर जा रहा हूँ। भाई उदू पी गए थे, वहाँ तो पूरा इतना रश था, इतनी वेटिंग थी ना जिसकी कोई हद नहीं, तो वहाँ से फ्री होने के बाद हम पहुँच गए हैं हल्दीराम। ऑर्डर दे रहे हो क्या दिया? हाँ छोले भटूरे, ओके राज कचौड़ी, ओके मम्मी की फेवरेट टिक्की। अरे वाह, मम्मी का पूरा ख्याल रखते हो वैसे तुम है। इसकी चल रही है लड़ाई, ये देखो क्या है भाई, हाँ लड़ाई करनी होती है, हैं? हाँ हाँ भैया पी गया, ओ माय गॉड भाई पूरा लड़ाई करता है। अभी ऑर्डर दे दिया, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतने इनकी मस्तियाँ देख लो आप सब। तो भाई सबसे पहले आ चुकी है मम्मा की राज कचोरी, ओहो। तो गाइज अपनी वेज थाली हो चुकी है रेडी, थैंक यू भैया। भाई देखने में तो पूरा यम्मी लग रही है, अब खा के देखते हैं भाई कैसी लगेगी, बढ़िया। मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, मैं तो इंजॉय करता हूँ अपनी थाली, और ये पता नहीं क्या राज कचोरी वगैरह मंगा लेते हैं, हैं ये स्वीट है, ये मैडम की फेवरेट है बाय द वे। बट अभी आज जो मैडम का मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का, तो वो अभी आने बाकी हैं, और मम्मी की चल रही है टिक्की, टेस्टी है मम्मी, बढ़िया है। और तेरे लिए, तेरे लिए छोले भटूरे आ रहे हैं। मेरे घुघरो घुघरो घुघलो घुघलो